द डेजर्ट स्टोरीज के नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब नमस्कार। आज गुफ्तगू में हमारी मेहमान है डॉक्टर तुलिका मिश्रा। डॉक्टर साहिबा, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आपके फादर दिल के डॉक्टर थे, एक मशहूर डॉक्टर, और आपका साहित्य में रुझान कैसे हुआ? थे वो दिल के डॉक्टर, जैसे आपने पहले ही कह दिया कि वो दिल के डॉक्टर थे और वो बड़े दिल वाले भी थे। तो उनकी खुद की अभिरुचि साहित्य में इतनी थी कि हमारे यहाँ जब से हम पैदा हुए हमने अपने चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें देखी। और इतना तक मैं कह दूँ कि मैं जब ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ रही थी तो मुझे एक भी किताब खरीदनी नहीं पड़ी। जितने वो या तो वो ड्रामा होते थे शेक्सपियर के या फिर नॉवेल्स होते थे जो हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब्ड होते थे करिकुलम में, वो भी हमारे यहाँ मौजूद थे। तो मैंने उनके नोट्स के साथ या उनकी लिखावट के साथ, वो तो शायरी भी करते थे जी, और वो शायरी खुद भी करते थे और उनकी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और कविताओं की किताब, और यहाँ तक कि उन्होंने सुंदर कांड का मैथिली अनुवाद भी किया है, जो बहुत डिफिकल्ट काम है, वो महाकाव्य है और उसका उन्होंने मैथिली अनुवाद किया। साहित्य में रुझान, वो हमारे यहाँ हमेशा मेरे फादर कहते थे मेडिकल के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से कहते थे कैच देम यंग, कि अगर कोई रोग हो तो उसे अगर जितनी जल्दी पकड़ा जाए वो उतनी अच्छे तरीके से वो सुलझ जाती है उसकी वो प्रॉब्लम। वैसे ही कैच देम यंग, अब ये जो फ्रेज है वो बहुत चीज़ों में अब काम आने लगा है, रिसर्च में तो बहुत, कि अगर आपको बच्चे को कोई इंस्टिंक्ट्स देनी है या कुछ उसमें जो कुछ गुण डालना है तो कैच देम यंग। तो हम लोगों ने पे जो ये इस्तेमाल किया हमारे पेरेंट्स ने, वो इतने इनडायरेक्टली किया लेकिन इतने इफेक्टिवली किया कि मैं खुद भी हैरान हूँ। मैं नहीं जानती हूँ मैंने अपने बच्चे पर ऐसा कर पाई कि नहीं, क्योंकि जब भी बातें होती थीं तो वो ऐसे ही अदब की बातें होती थीं, सोशल बातें होती थीं, गरीबों की बातें होती थीं, पॉलिटिक्स होता था, जो सब साहित्य में इसका जो सम्मिश्रण है वो पाया जाता है। आपकी तो मदर को भी अवार्ड मिला, वो भी साहित्य से जुड़ी हुई थी। वो भी पढ़ती वो बहुत थी, मतलब मैंने इन दोनों को, अपने पेरेंट्स को, एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला है ना जी, उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2014 का, साहित्य अकेडमी अवार्ड मैथिली नॉवल उचाट के लिए उनको मिला, और उनके साथ ही मुनव्वर राणा जी को भी मिला था। अच्छा। तो एक ही साल, और वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया रहा था मेरे लिए क्योंकि मैं वही अवार्ड सेरेमनी में उनसे भी मिली। तो मैंने इन दोनों को कभी बिना पढ़े सोते नहीं देखा, मतलब वो जो लास्ट चीज़ होती थी सोने से पहले तो किताबें होती थीं, और वो हम लोगों को लगता था, एटलीस्ट मुझे लगता था कि वो बड़े बनने का एक गुण है। तो मैंने भी बचपन से वो पढ़ने की आदत डाली। तो जैसे जैसे पढ़ती गई वैसे वैसे साहित्य में रुझान होता गया। वो तो आप जितने जिस वैसे साहित्य ने आपकी ज़िंदगी को कैसे छुआ, कैसे इसमें आप कैसे हैं? बहुत ढंग से छुआ, क्योंकि जैसे मैं ये कह लूँ कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ी तो मैंने शिवानी को पढ़ना शुरू किया क्योंकि मम्मी के पास उनकी नॉवेल्स होती थी। शिवानी का नाम पता नहीं बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, उनका नाम गौरा पंत था और वो कुमाऊँ से थी और रविंद्रनाथ टैगोर की वो शिष्या थी और बहुत अच्छा लिखती थी। तो वो जब लिखती थी तो उनके हवाले से मैंने क्या सीखा, बड़े लाइट नॉवेल्स लिखती थी वो, औरतों के किरदार उसमें प्रमुख होते थे, और उसमें उससे मैंने सीखा अटेंशन टू डिटेल्स, कि वो कैसे छोटी छोटी बातों का जो वो एनालाइज करती थी या वो डिटेलिंग करती थी, उनसे मैंने सीखा कि पढ़ने से आपके इमेजिनेशन को कैसे चार चांद लग जाते हैं। जैसे वो वर्ड्सवर्थ बोलते हैं ना कि अ पोएट सोर्स लाइक अ स्काईलार्क, तो वही है वो जो ज्ञानी है वो उनकी तुलना वर्ड्सवर्थ ने सर्पेंट से की है, सांप से किया है, लेकिन खलील जिब्रान ने विद्वानों की तुलना सर्पेंट से की है लेकिन एक कवि की तुलना स्काईलार्क से किया है कि वो उड़ता है अपने ख्यालों में। ये बात सही है जी। तो ये मैंने उनसे सीखा। जब थोड़ी बड़ी हुई तो जब मम्मी पढ़ने देती थी समझ में नहीं आता था, जब अमृता प्रीतम को दिया उन्होंने पढ़ने के लिए तो कुछ भी नहीं समझा, मुझे लगा लिखती क्या है ये,
लेकिन जैसे जैसे पढ़ती गई और उम्र होती गई मेरी भी, ग्रेजुएशन में पहुंची तो मैंने उनकी पढ़ी रसीदी टिकट। वहाँ उनसे मैंने थोड़ा सूफिज्म का मुझे टेस्ट मिला। उनसे मैंने कितने लोगों के, जो कमाल के जो पहुँचे हुए लोग हैं, गॉड सेंट्स हैं, जैसे खलील जिब्रान हैं, रूमी हैं, सादी हैं, उनके बारे में मैं जब नाम सुनती थी, उस समय गूगल तो हुआ नहीं करते थे, तो हम लोग ढूंढते थे लाइब्रेरीज में कि कहीं इनकी कौन है ये, तो उनको पढ़ना शुरू किया। और उनसे बाद में तो जब इंटरनेट आई तो गूगल तो बहुत काम किया, तो इनसे ये सीखा, फैज से सीखा, फैज पसंद है मुझे बहुत, उनसे रूहानियत, रुमानियत और ये जो युद्ध और शांति की जो के बीच में जो वो तारतम्य बिठाते हैं वो सीखा, कि शेक्सपियर से सीखा, क्योंकि मैं, आप जानते हैं कि मैं साहित्य पढ़ाती भी हूँ। आप यहाँ इंग्लिश की प्रोफेसर हैं और सोशल वर्क भी करती हैं, SMC इंडियन स्कूल से भी जुड़ी हुई हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट भी कर रही हैं, तो ये आपने इसमें कविताएं लिखना और ये शायरी करना इसमें कब आई है? लिखना मैंने शुरू किया था प्रोज, और मुझे याद है मेरा पहला जो था आर्टिकल वो धर्मयुग में छपा था। अच्छा। और वो मेरे लिए, वो धर्मयुग उस समय की बेहतरीन पत्रिका हुआ करती थी, धर्मवीर भारती जैसे संपादक हुआ करते थे उनके, और उसमें छपा। उस वक्त मेरे उसमें जश्न का माहौल था मेरे घर में कि इसकी कविता, इसकी जो आर्टिकल, बड़ा खुशी होती, हाँ बहुत, और लोगों को एनकरेज करने के लिए। तो मैं जब आई थी कॉलेज से, तो फर्स्ट ईयर में थी, तो बड़े अच्छे अच्छे खाने बना के रखे थे मम्मी ने, वो एक एनकरेजमेंट हुआ। तो यहाँ पहली जो कविता थी मेरी वो मैंने यूनिवर्सिटी में लिखी थी और वो पब्लिश तो हुई थी। हमारे हमारे नाजरीन को सुनाएं जो पहले, सबसे पहले लिखी थी। जी जरूर जरूर सुनिए। इसका उनवान है, टाइटल है चलो। बेसुरी इस दुनिया में थोड़ा सुर और गीत मिलाएं, इंद्रधनुषी रंगों से फिर सूनी आंखों में स्वप्न सजाएं। वाह। जज्बातों की मरुभूमि में मीठे लफ्जों के शहद मिलाएं, कोमलता और नाजुकता से प्यार के दो फूल खिलाएं। वाह वाह। औरों के लिए अंधे इस जग में दया दृष्टि और प्रेम जगाएं, निजी जरूरतों से उठकर गैरों पे भी गौर फरमाएं। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुद गर्जों के इस आंगन में एहसासों के बीज लगाएं, दान और करुणा से सींच औरों के अभाव मिटाएं। वाह। गमगीन और गमसाजों के दर्द जरा बांट हम आएं, गमगीन और गमसाजों के दर्द जरा बांट हम आएं, थके और हारों में फिर हम आशा और विश्वास जगाएं। वाह वाह वाह। शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा आप क्या क्या करती हैं? आप तो स्कूल से भी जुड़ी हुई हैं, उसमें एक्टिविटी में लगी रहती हैं, और भी सोशल कामों में भी यहाँ लगी रहती हैं, कंपेयर भी, प्रोग्राम कंपेयर करती हैं, तो क्या क्या करती हैं आप? तो SMC में भी बड़ा काम कर रही हैं, इम्प्रूवमेंट कर रही हैं उसका, बताएं कुछ हमारे नाते। जी, यहाँ शायरी में तो आप लोगों ने ही मुझे लिया है, और मैं तो खुद को बहुत अच्छा लिखती हैं आप। मैं बड़े ह्यूमिलिटी के साथ और सच्चाई के साथ ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद को लेखक या पोएट नहीं मानती हूँ। वो मैं SMC में थी 6 साल, इंडियन स्कूल दारसेद के, जैसे मैं यहाँ 2008 में आई और 2009 से मैं वहाँ पे थी। वहाँ पे मेरे साथ पुष्के नागा जी थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे इन्वाइट करना शुरू किया आपके उर्दू विंग के प्रोग्रामों में। जी जी। और हर बार मैं आने लगी, अच्छा लगने लगा। वहाँ से मुझे एक दिन रात को, मैं अपने कॉलेज का काम कर रही थी, जब मुझे फ़ोन आया, एक मैसेज आया एक फेसबुक के इनबॉक्स में कि आप क्या डॉक्टर गणपति मिश्रा को जानती हैं? तो मैंने बोला जी मैं जानती हूँ, आप कौन? तो मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ? बोला जी फ़ोन कर सकते हैं। और जब नंबर मैंने दिया और फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैं तुफैल अहमद बोल रहा हूँ। अच्छा। और मैं भी दरभंगा से हूँ, और मेरे फादर का इलाज वो करते थे, और उनकी वजह से मैं यहाँ आ पाया। बड़े आपके फादर के बारे में जी, फिर तो सिलसिला हो गया, तो फैल भाई एकदम करीबी हो गए, और उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप आए और सुनाएं, आप आए और शिरकत कीजिए हमारे इसमें। तो पहला जो आपने पहला जो मशायरा कवि सम्मेलन जो पढ़ा जी, मैं शायद साथ में था उसमें,
वो आप जरा सुनाइए हमारे नाज़रीन को। जी, जो वहां पे जो मैंने पढ़ा वो मैं सुनाती हूँ। खामोशियों की जुबान सुन लिया कीजिए, ये मैंने उर्दू में पहली कोशिश की थी तो डर भी लग रहा था, आप लोग जैसे लोग थे वहां पे। तो खामोशियों की जुबान सुन लिया कीजिए, लफ्ज काफी नहीं हाले बयां के लिए। खामोशियों की जुबान सुन लिया कीजिए, दो जुड़वा होठों की बात आंखों से कहा कीजिए। दो जुड़वा होठों की बात आंखों से कहा कीजिए, मगर चुप्पी भी ये बड़ी जालिम है। मगर चुप्पी भी ये बड़ी जालिम है, गजल कभी कोई गुनगुना लिया कीजिए। जिंदगी का लुत्फ हासिल होगा कभी कोई गुनाह तो किया कीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। लफ्ज व लफ्ज समझ लेगा वो खास, लफ्ज व लफ्ज समझ लेगा वो खास, कभी जज्बात तो जाहिर किया कीजिए। हर ख्वाहिश पूरी होगी आपकी, कोई फरमान तो किया कीजिए। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत है खुदा की ये फजल, बड़ी खूबसूरत है खुदा की ये फजल, एक बार तो आईने में झांक लीजिए। वाह, महफिलों में आप मिले ना मिले, क्या बात, इस है? दिल में हमेशा रहा कीजिए। वाह 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 वाह, थैंक यू, शुक्रिया। आपका रोल मॉडल कौन है, किस, ये बताइए पहले तो। रोल मॉडल तो हर हाल में हर सूरत में मेरे फादर है बेशक। जी, और जिस तरह से उन्होंने मुझे पाला है और जिस तरह से मेरी ग्रूमिंग की है उसने, मैं आज जो भी हूँ मेरा कण कण उनका कर्जदार है और रहेगा, और हर जन्म में मैं उनकी बेटी बनूँ, ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ। रोल मॉडल इसलिए नहीं, हर हर इंसान का फादर, पेरेंट्स उसके रोल मॉडल होते हैं, वो इसलिए कि वो फिलोसफिकली उन्होंने हम लोगों को बड़ा किया है, पढ़ने पढ़ाने के हवाले से, क्या मीनिंगफुल चीज़ें हैं लाइफ में, किन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, सोशलिस्ट बनने के हवाले से, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, दहेज के खिलाफ खड़े होने के हवाले से। आप जानते हैं, आप भी यूपी के हैं, बिहार यूपी में दहेज बहुत बड़ी होती थी, छोटी सी मैं थी जब वो बोलते थे कि ये दहेज नहीं देगी और ये मांगने वालों को मारेगी और फिर ये फांसी पे चढ़ेगी, तो दहेज की बलि बेदी पे ये चढ़ेगी, उस हिसाब से उन्होंने हमें पाला है। किताबों का शौक मेरे पेरेंट्स ने जो हमें दिया वो एक इतना बड़ा गिफ्ट। आप शायर को क्यों, कौन आपको, जो शायर हैं हिंदी के कवि या उर्दू के, कौन कौन आपको पसंद है, किस किस की शायरी आपको पसंद है? मुझे दिनकर बहुत पसंद है। क्या बात है, रश्मि रथी जबानी याद थी उनको और वो हमेशा बोलते थे और हर इंसिडेंट पे बोलते थे। अब जब कोई हम परेशान होते थे तो वो बोलते थे, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही बहलाती है, क्या बात, सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, क्या बात। तो ये सब सुन के हम बड़े हुए, और उनके अलावे और हर सूरत के लिए उन्होंने, हर मतलब साइकोलॉजी के लिए, हर स्टेट ऑफ माइंड के लिए और स्टेट ऑफ बीइंग के लिए दिनकर ने लिखा है। अमृता प्रीतम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। उनसे मैंने सूफिज्म का स्वाद लिया। मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, जो बहुत पसंद है और जो बहुत नामी नहीं है, वो जो बहुत लोगों को सुना होगा, सुनाइए। ये जो पहली पीस थी उनकी जो मैंने पढ़ा था, जिससे मुझे एक अलग लाइफ का ये हुआ, अलग रियलाइजेशन हुआ कॉन्शियसनेस के रूप में। साईं तो अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, साईं तो अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मुझे एक घड़ी जलना है। क्या बात है, जब बत्ती सुलग जाएगी हल्की सी महक आएगी, जब बत्ती सुलग जाएगी हल्की सी महक आएगी, कुछ हौले से कहेगी फिर मेरी काया, एक राख सी होकर मैं तेरे कदम छुएगी। वाह, उस तेरे दरगाह की मिट्टी से मिलना है मुझे, साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, वाह वाह, मैं तेरी अगर बत्ती हूँ और तेरी दरगाह पे मुझे एक घड़ी जलना है। वाह 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 वाह। फैज बहुत पसंद है मुझे, जैसा कि मैंने कहा, उनको मैं हमेशा पढ़ती हूँ, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर, और उनको सुनती बहुत हूँ मैं। नायरा नूर हैं, पाकिस्तान की एक गजल गायिका, आपने जरूर सुना होगा, वो फैज बहुत गाती हैं,
तो मैं जब किचन में भी काम करती हूँ, कभी भी कहीं भी, वो मैं नायरा नूर को बजाती हूँ और वो सुनती हूँ। मनीष भाई भी पसंद करते हैं इस चीज को? मनीष भाई को भी, मनीष भाई डॉक्टर साहिबा के हस्बैंड हैं जी, वो बड़े जॉली नेचर के हैं, बड़े मिलनसार हैं जी, उनको पसंद तो है ही। मैंने तो उनको मशायरे में बैठे हुए देखा, आराम से सुनते हैं, पूरा आखिर तक सुनते हैं, आखिरी तक सुनते हैं, उनको भीतर से पसंद है, वो पढ़ते नहीं हैं लेकिन वो उनको है, बहुत पसंद है शायर, ये सब अदब की चीजें तो उनको पसंद है, तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा था और उर्दू में लिखा था। इरशाद, जिंदगी में अगर सोहबत हो तो तुम्हारे जैसी, अब आपने मनीष जी का जिक्र कर दिया तो मैं, मुझे जरूरी हो गया ये बोलना, सुनाइए। जिंदगी में अगर सोहबत हो तो तुम्हारे जैसी, ख्वाहिश अगर मोहब्बत हो तो तुम्हारे जैसी। वाह क्या बात है भाई। जो साहिल पे रुक जाए वो धार नहीं, वाह, जो साहिल पे रुक जाए वो धार नहीं, मौजों की रवानी हो तो तुम्हारे जैसी। वाह 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 वाह। कश्ती में जो समा जाए मझधार भला कैसी, क्या बात है। कश्ती में जो समा जाए मझधार भला कैसी, रूह की चाह गर हो तो तुम्हारी जैसी। क्या बात है, वाह वाह वाह। तड़पा न सके जो सांसों को वो प्यार कैसा, अब ये झगड़े के हवाले से भी शायद मैंने लिखा था, तो बाद में जब टर्म्स में आते हैं। तड़पा न सके जो सांसों को वो प्यार कैसा, दिलबर गर कोई चाहत हो तो तुम्हारी जैसी। क्या बात है, वाह वाह वाह। होश बना रहे भला वो नशा कैसा, होश बना रहे वो भला नशा कैसा, दुखती रग गर कोई हो तो तुम्हारे जैसा। क्या बात है भाई, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। मंजिल पे जाकर ठहर जाए तो राह कैसी, मंजिल पे ठहर जाए तो राह कैसी, राह में कोई जिंदगी सुहानी हो तो तुम्हारे क्या बात है। वाह 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 भाई, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा आपने एक स्त्री पे लिखा था जी, स्त्री पे ये, और ये बड़ा आपका पसंद किया गया था, खासकर ये जो अदबी हलकों में और तमाम जो भी कवि सम्मेलन और मशायरे को पसंद करते हैं, सबने बहुत पसंद किया जी, जी, जी। वो हमारे नाज़रीन को सुनाए। ये मुझे एक बात मैं जरा बता दूं आपको और आपके दर्शकों को, कि मैं अपनी कविताएं लिख के पढ़ती नहीं हूँ बार बार, तो मुझे वो याद होती नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि निज कवित्व लागे ही सबनी का, सरस होए अथवा अति फीका, तो ये मुझ में अभी तक आई नहीं है, मुझे निज कवित्व पसंद नहीं है, आपके आप लोगों की रचनाएं मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बहरहाल वो अभी मिल जाएगा तो मैं पढ़ती हूँ, चलिए मिल गया जी। उसका अनुमान है स्त्री, स्त्री अब न भटको, वाह, स्त्री अब न भटको, लौट आओ अब माया मृगों के जाल से, क्या बात है। झाड़ डालो अब बेकार सपनों के पराग, झाड़ डालो अब बेकार सपनों के पराग, होश में आओ और पहचानो उनको, वाह, जो तुम्हें तुम्हारी ताकतों को ढककर बेवजह देवियों के समकक्ष बिठाए हुए हैं। क्या बात, होश में आओ और पहचानो उनको, जो तुम्हें तुम्हारी ताकतों को ढककर बेवजह देवियों के समकक्ष बिठाए हुए हैं, ये सपने भरमाने वाले हैं, वाह, तुम्हें अपनी असल क्षमताओं से दूर रखने वाले हैं, तुम में देवियों वाली मायावी शक्तियां नहीं, तुम में देवियों वाली मायावी शक्तियां नहीं, ना ही उन जैसी कोई जादुई छड़ी जिसे घुमाते ही तुम नैसर्गिक सुखों में विचरण करने लग जाओ, वाह, हाँ, तुम में अपूर्व मानव शक्ति है, तुम में अपूर्व मानव शक्ति है, असहनीय वेदना को सहकर मानव होकर मानव को जन्म देने की, जनों के मर्म में उतरने की, जैसे प्रसव वेदना से पार उतरकर मिलता है एक अवर्णनीय सुख, पा जाओ बेबसी और मजबूरियों के पार जाकर अपने आप को साबित कर एक विलक्षण चरम सुख। स्त्री अब न भटको घर की चार दीवारी में रहने के अनुपम तारीफों से, तुम में शक्ति है जीने की जहां जीना एक विवशता है, उम्र की सारी ताकत लगा कुछ हासिल करने की जहां उम्र एक सजा है, खुश हो जरूर माँ पत्नी और बहन होने के अलंकारों से, पर अपने असीमित भुजाओं को खोल कर समेटो विस्तृत संसार निज कर्म से, वो संसार जहाँ ज्ञान तुम्हारा गहना हो, वो संसार जहाँ ज्ञान तुम्हारा गहना हो, आत्मनिर्भरता तुम्हारा सम्मान, जहाँ आत्मविश्वास तुम्हारा रक्षक हो,
और साहस तुम्हारा गुमान। स्त्री जरूरी नहीं कि तुम सीता बनो, स्त्री जरूरी नहीं कि तुम सीता बनो, दुशासनों के रक्त का पान किए बिना चैन न लेने वाली तुम द्रौपदी बनो। नहीं है जरूरी तुम हमेशा सुरमयी गीत बनो, नहीं है जरूरी तुम हमेशा सुरमयी संगीत बनो, तुम अपने इज्जत से खेलने वालों पर पांच उंगलियों का हस्ताक्षर बनो, जिसकी गूंज भरी सभा में इतनी हो कि हर मक्कारों के गाल पर अपनी एक अदृश्य छाप छोड़ जाए। क्या बात है। अब मत गीत गाओ अपने घर चलाने की महानता का, अब मत गीत गाओ अपने घर चलाने की महानता का, वक्त आया अब विश्व को अपनी सशक्त उंगलियों पर कराने नृत्य का, करुणा की गंगा के संग अपनी आकांक्षाओं के समुद्र मंथन का, जिससे निकलेगी एक अभूतपूर्व स्त्री जो सौंदर्य और कोमलता से ही नहीं बल्कि ताकत, इज्जत, संकल्प और विश्वास से पूर्ण होगी। हाँ, मर्दों से रेस लगाने की मूर्खता न करना, मर्दों से रेस लगाने की मूर्खता न करना, और जोगर इंद्र अपनी माया से छलित करें तो अहिल्या सी पाषाण नहीं बल्कि दुर्गा और काली सी अग्निमुखी रौद्र रूपी बनना। परंपरा निभाते हुए आधुनिकता के हर मापदंड पर खरी उतरने को स्त्री तुम लौट आओ माया मृगों के। वाह 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 वाह। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त आपने नज्म अपनी सुनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे नाजरीन को और हमारे चैनल को टाइम दिया। हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को द डेजर्ट स्टोरीज के देखने वालों को कोई मैसेज दें। ये डेजर्ट स्टोरी जो आपके चैनल का नाम है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं साहित्य पढ़ती और पढ़ाती हूँ तो हर एक शब्द के बड़े आयाम होते हैं, बड़े पैराडाइम्स होते हैं। डेजर्ट को अगर मेटाफोरिकल रूप में लें तो ये आप देखेंगे डेजर्ट को हमेशा रूखा, सूखा, बेनूर इस तरह से लिया जाता है, बट आपने इसमें इतने रंग, इतने रस घोल रखे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि ये प्रोग्राम तो ऐसे ही मतलब एकदम रसीला रंगीला हो चुका है। और जितने भी प्रोग्राम मैंने देखे हैं गोहरे गुफ्तगू में, जितने इंटरव्यूज़ देखे हैं, माशाल्लाह वो इतने अच्छे हैं और सब एक से एक लोगों को बुलाते हैं। मैं तो खुद बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, और मुझे हालांकि मैं डिजर्व नहीं करती यहाँ होना, बट मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए समाज में को बहुत इंस्पायर करने वाले लोग आएंगे अपने बातों के ज़रिए, अपने गुणों के ज़रिए। और जैसा कि मैंने आपसे बातचीत में समझा कि आप अलग अलग लोगों को आप यहाँ इनवाइट करने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्रों से इनवाइट करने वाले हैं, और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इस रेगिस्तान को हरा करने में गौहर साहब आपका बड़ा रोल है। शुक्रिया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको और आपके दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो ऐसे ही अदबी माहौल में अपने आप को संलग्न रखें, बिजी रखें, और हर छिछले चीज़ों से बचे रहें और हर अदबी चीज़ों से अपना नाता जोड़ें। धन्यवाद।